नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। मैं प्रिया हाजिर हूं क्रिकेट की कुछ रोचक जानकारियों के साथ। भारतीय टीम ने विंडीज को 125 रनों से मात देकर इस क्रिकेट महासमर में अपना अजेय होने का सिलसिला बरकरार रखा है। भारत के इस विश्व कप में अब तक 6 मैच हो चुके हैं, जिसमें से उसने 5 में जीत दर्ज की है, जबकि एक मैच बारिश के कारण धुल गया था। भारत ही एक ऐसी टीम है जिसने इस विश्व कप में अब तक कोई हार नहीं झेली है। भारत को अपना अगला मुकाबला अब 30 तारीख को मेजबान इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है। विंडीज के खिलाफ हुए मैच में जीत और सकारात्मक चीजों के साथ कुछ नकारात्मक चीजें सामने आई, जो कि बड़े मैचों में टीम के लिए चिंता का सबब बन सकती हैं। वो कौन सी खामियां हैं और भारत को अपना आगे का सफर कैसे तय करना है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। विंडीज के खिलाफ भारत ने भले ही जबरदस्त जीत दर्ज की, लेकिन टीम का मिडिल ऑर्डर धोनी को छोड़ के पूरी तरह फ्लॉप रहा। विजय शंकर महज 14 रनों के ही निजी स्कोर पर चलते बने, उसके बाद केदार जाधव भी सिर्फ 7 रन का योगदान दे सके। पांड्या ने कुछ हाथ दिखाने की कोशिश जरूर की, लेकिन ज्यादा देर वो भी नहीं संभाल पाए। बात करें अगर आगे आने वाले मुकाबलों की, तो ऐसे में कैसे टीम इंडिया की नैया पार लगेगी। राउंड रोबिन चरण में भारत के 3 मुकाबले अभी शेष हैं और अपना अजेय अभियान जारी रखने के लिए उसे इंग्लैंड, बांग्लादेश और श्रीलंका को मात देनी है। मेजबान इंग्लैंड पर सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में इंग्लैंड अपना पूरा दमखम दिखाता नजर आएगा। अब जाहिर सी बात है कि इस मुकाबले में भारत की राह आसान नहीं होगी। बांग्लादेश की टीम इस पूरे टूर्नामेंट में अलग ही लय में नजर आई। अब तक टूर्नामेंट में 250 के ऊपर रनों की सफल चेज अगर किसी टीम ने की है, तो वो बांग्लादेश ही है, जिसने विंडीज के खिलाफ 322 रनों का स्कोर महज 41 ओवर में ही पा लिया था। इस लिहाज से देखा जाए तो बांग्लादेश को भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। भारत को अंक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त करने और अपने आने वाले बड़े मैचों में भारत को अपना बेस्ट 11 तलाश लेना चाहिए। विजय शंकर से बॉलिंग करवा नहीं रहे, ऐसे में उनकी जगह दिनेश कार्तिक अच्छा विकल्प होंगे। कार्तिक के पास अनुभव है जो कि बड़े मैचों में काम आ सकता है। केदार की जगह ऋषभ पंत भी अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। फिलहाल ये तो हमारा परसेप्शन है, बाकी तो टीम मैनेजमेंट फैसला लेगा। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।